अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाहु सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी आल पर। दोस्तों, आज का वीला मुख्तलिफ है, मेरे अपने शहर रावलपिंडी से है और आज हम आपको दिखाएंगे कि पिंडी के लोग शायरी कैसे करते हैं। तो मेरी बातचीत बैकग्राउंड में कम होगी, मौके पर जो कुछ है वही देखें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। जी दोस्तों, आज हम इधर रावलपिंडी अपने शहर में और आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर रावलपिंडी के जो मकीन हैं वो शायरी किस तरह करते हैं। रावलपिंडी यूँ तो बहुत बड़ा शहर फैल चुका है और यहाँ की तंग तारीख गलियाँ, रावलपिंडी शहर की बात कर रहा हूँ, तो बहुत दूर तक फैल चुकी हैं। लेकिन आज भी रावलपिंडी के अंदर पुराना करतारपुरा, जहाँ पर जो मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक शहरी के लिहाज से एक बड़ा अहम मुकाम है। और आते हुए मैंने आपको क्लिप दिखाया है, यहाँ पर रश अब से ही लग पड़ा है और अब तकरीबन 12:30 हो गए हैं और सहरी होती है तकरीबन जाके 3-3:30 बजे तक। लेकिन ये सिलसिला चल पड़ता है, जैसे ही रात के 11 बजे होते हैं तो उसके पास ही यहाँ पर रश का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या कुछ है यहाँ रावलपिंडी के जो मकीन है वो क्या सहरी करते हैं, न सिर्फ रावलपिंडी के, बड़े दूर दराज से अटक झेलम, बल्कि कई लोग इससे भी ज़्यादा दूर से यहाँ पर सिर्फ सहरी करने के लिए आते हैं। दोस्त बाकी महफिलें होती हैं, गपशप होती है, पुराने दोस्त इकट्ठे होते हैं और सहरी करते हैं। तो आए चले हम भी आपको दिखाते हैं कि रावलपिंडी के ये लोग कैसे सहरी करते हैं। रावलपिंडी एक पुराना तारीखी शहर है और रावलपिंडी का जो अंदरून शहर जिसे हम कहते हैं राजा बाज़ार, राजा बाज़ार के साथ बन्नी, और ये तमाम वो इलाके हैं कि जिनकी एक भरपूर तारीख है और इसकी तारीख पर भी कभी मौका मिला तो ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हम अब जा रहे हैं करतारपुरा। जी हाँ, ये करतारपुरा नाम सुनने के साथ ही आपके जहन में एक चीज़ ख्याल आता होगा कि करतारपुरा, जी हाँ, ये रावलपिंडी का करतारपुरा है। रावलपिंडी में मोहनपुरा भी है, करतारपुरा भी है और काफ़ी सारे ऐसे इलाकों के नाम हैं जो कि पुराने उसी नाम के साथ चले आ रहे हैं। और आज हम आपको रावलपिंडी की जो असल फूड स्ट्रीट है, जो कि रवायती फूड स्ट्रीट, जहाँ पर वैसे भी मेला लगा रहता है लेकिन रमज़ान शरीफ में एक किस तरह का मेला लगता है कि आप आते तो ज़रूर हैं लेकिन इस खौफ में मुबतला रहते हैं कि यह ऐसा ना हो जाए कि हमें जगह ना मिले और हमारी सारी अधूरी की अधूरी रह जाए। तो चलते हैं, आज हम अपनी वीडियो की जानिब दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। जी दोस्तों, ये करतारपुरा जो फूड स्ट्रीट है उसका आगाज है और यहाँ से लोग सैरी करके अब आ रहे हैं और हम अभी जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि रावलपिंडी के लोग रमजान शरीफ में सैरी कैसे करते हैं और सैरी में क्या क्या खाया जाता है। मुझे तो बताया गया कि यहाँ पर बड़े सारे खाबे होते हैं, यहाँ पर चिकन भी मिलता है, तवा चिकन मिलता है, चिकन टिक्का मिलता है, पाए मिलते हैं, छोटे पाए, बड़े पाए, चने और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन स्पेशली यहाँ की लस्सी मिलती है जो कि कहीं भी नहीं मिलती है। तो चले आए चलते हैं आपको करतारपुरा यानी कि रावलपिंडी की शहरी जो लोग खा रहे हैं वो दिखाने के लिए। तो चले आए मेरे साथ चलते हैं। खातिर महबूब है। कितने अरसे से यहाँ पर ये बना रहे हैं? यहाँ पे तो 2 साल हो गए, वैसे अरसा फिलहाल हो गए लस्सी के काम में। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस वक्त खड़े हुए हैं बनी चौक करतारपुरा फूड स्ट्रीट में, जो कि रवायती एक बड़ी पुरानी जगह है जिसे पिंडी का दिल भी कहते हैं और दिल वाले ही लोग आते हैं। जैसे आप यहाँ पे आए हैं और लस्सी पीते हैं और चस आ जाती है। लस्सी के साथ साथ बहुत सारे खाने भी मौजूद हैं। हमारी लस्सी की स्पेशलिटी है कि पूरा मेन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा मेन्यू अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे कि यंग जनरेशन को ई कॉमर्स को देखते हुए, बढ़ती हुई मकबूलियत मार्केट के अंदर डिमांड को देखते हुए, हमने कॉफ़ी वाली लस्सी इंट्रोड्यूस कराई है, ड्राई फ्रूट वाली लस्सी है हमारे पास, चॉकलेट वाली लस्सी है, स्पेशल मलाई है, गोल पेड़ा है यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह जो भी आता है और वापस आने की ख्वाहिश रखते हैं हुए पानी आते हैं। Thank you.
अच्छा जी, वो जी लाल तार कहीं थे। ये सामने फ्रंट आएगा, ये बाबा
चार है। कदीमी दुकान पुरानी अब्दुल्ला करतारपुरा और इसके हम आखिर में आ चुके हैं। आपको सारे मैंने यहाँ पर जितने भी वेरियंट दस्तियाब हैं, चाहे वो चिकन के हवाले से हैं, बिरयानी के हवाले से हैं, यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर निहारी और पायो का इस्तेमाल होता है और ये सारे वेरियंट हमने आपको दिखाए हैं। उम्मीद है कि आज का हमारा ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर आगे किसी दिन किसी और जगह से आपको ज़रूर टूरिज़्म की ये शक्ल है। अगर आप पिंडी आते हैं कराची से, लाहौर से, किसी जगह से भी, पाकिस्तान से या पाकिस्तान के बाहर से भी, तो यहाँ पर करतारपुरा और पिंडी के अंदर आना मत भूलिएगा। यहाँ आना कैसे होगा वो पहले भी बता चुका हूँ, रिपीट करता हूँ। दो रास्ते हैं, एक राजा बाजार से फवारा चौक से आप इस साइड पर आ सकते हैं बन्नी स्टॉप के पास, दूसरा आप मरी रोड पर बड़ा मशहूर है यहाँ पर मोटरसाइकिलों का बाजार है या थाना वारस खाना है, उस साइड से भी आप इंटर हो सकते हैं। तो ज़रूर आइएगा, अगर इस साल नहीं आ सके तो अगले साल आएँ, वैसे भी आएँ। ये फूड स्ट्रीट है पिंडी की, ये इसी तरह रवा दवा रहती है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे, अपनी दुआ में मुझे याद। चले आ